हाउ लोग वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना डोनट्स। हमें उसके लिए चाहिए सबसे पहले आलू, 3 से 4 आलू लेंगे और उसे बॉयल्ड आलू लिए हैं और उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को अच्छे से ग्रेट करना है। उसके बाद ये हमने साबूदाना लिया है 1 कप। ये मैंने 2 घंटे भिगोया, आप ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। यहाँ पर हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं कटी हुई, थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ ग्रेटेड, नमक डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ, काली मिर्च, अमचूर, ये सारी नवरात्र स्पेशल रेसिपी है, इनको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपना साबूदाना डोनट। सबसे पहले हमें पानी लगाना है हाथ में क्योंकि ये डो बहुत स्टिकी होता है, और उसे अच्छे से बोल या डम्पलिंग की तरह बना के प्रेस करके उसके अंदर होल बनाना है और इन्हें साइड में रखते जाना है कुछ इस तरीके से। बॉल को अच्छी तरीके से हाथ में पहले पानी लगाएं, देखिए, उसके बाद बॉल बनाएं और उसे प्रेस करें यहाँ पर और फिर एक होल बनाएं। होल बनाने के बाद आप इसे यहाँ पर रखते जाएं। इस तरीके से सारे डंपलिंग बनाने हैं। पानी लगाना है हाथ में, फिर बॉल लेनी है साबूदाना मिक्सचर की, होल बनाना है, प्रेस करके होल बनाना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे साबूदाना डोनट्स तैयार हैं। ये बस अब फ्राइंग के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे यहाँ पर बना रही हूँ। इसे अच्छे से बनाना है और अब हमने एक ऑयल लिया है एक पैन में, खूब तेज आंच पर से गरम करा है। थोड़ा सा मैं डाल के देख रही हूँ मिक्सचर, ये सही फ्राई हुआ है। अब मैंने अपने सारे डोनट्स डाल दिए हैं, इसे तेज आंच पर फ्राई करना है क्योंकि सारी चीज़ें पहले ही बनी हुई हैं। देखिए कुछ इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फ्राइंग के बाद। इन्हें पलट पलट कर फ्राई करना है। देखिए अब इन्हें निकाल लेंगे हम एक किचन टॉवल या टिश्यू पे आप निकाल सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से निकालने के बाद अब इनके प्लेटिंग का टाइम है। यहाँ पर मैं प्लेट कर रही हूँ, एक स्टिक लगा रखी मैंने प्लेट में, उसके अंदर मैं डोनट को सारों को स्टैक कर रही हूँ। ये देखिए कुछ डोनट मैंने साइड में भी रख दिए हैं। इसे मैं सर्व कर रही हूँ नवरात्र की ही मिंट चटनी के साथ। ये मैंने घर पे बनाई हुई, इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं डोनट कितने क्रंची और क्रिस्पी हैं या नहीं है। चलिए इससे पहले मैं थोड़ी सी गार्निश कर देती हूँ पुदीना पत्ते के साथ। लग रही है ना बढ़िया प्लेटिंग? अगर नहीं लग रही तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि कैसी लग रही है। अब ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है इसकी पूरे की, कितने सुंदर लग रहा है ये। अब मैं आपको एक ट्राई करके दिखाने वाली हूँ ये कितने क्रंची हैं कि नहीं है। ये देखिए ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए मिंट चटनी के साथ ये बहुत ही मस्त लगती है। रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। बाय।